वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिन पट्टा बंद। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में कुल इंडिया में 5 जंतर मंतर हैं, जिसमें से एक जो खास है वो दिल्ली का भी है। मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर, ये टोटल 5 हैं। और इसका जो निर्माण कराया था राजा जयसिंह ने कराया था। सो ये देख रहे हो, मेरे जो बैक साइड में देख रहे हो, ये सब जंतर मंतर है। जंतर माने एक तंत्र, मंत्र माने एक सूत्र या उपकरण, है ना। इसका जो पार्क का जो चार्ज है जो 25 रुपीज़ है, जिसमें आप घूम सकते हो। एंट्री फीस है जो 25 है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए है नहीं, पर पुरानी धरोहर है। ये जंतर मंतर इसलिए बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पहले के जो लोग थे पहले की घड़ी नहीं थी, तो इसी की सहायता से ग्रह और तारीख क्या हो रही है, समय क्या हो रहा है, इसी की सहायता से पहले के लोग देखते थे। देखिए जंतर मंतर के बारे में कुछ जान लेते हैं, और इसमें कई सारे यंत्र हैं, पर कुछ विशेष यंत्रों के बारे में मैं यहाँ बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो और भी लाते रहें। सो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुछ खास यंत्र में ये यंत्र है, मिस यंत्र, जो वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। और दोस्तों ये सम्राट यंत्र, जिसकी डिटेल आपको इस चार्ट पर मिल जाएगी, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप समझ के देख सकते हैं। दोस्तों ये यंत्र का जो उपयोग था, सूर्य की सहायता से टाइम और ग्रहों की स्थिति की जानकारी इसी से मिलती थी। दोस्तों सम्राट यंत्र जो काफ़ी बड़ा है और विशाल है, इन सबसे बड़ा यंत्र इसी को माना जाता है। और इसका बैक साइड से व्यू आप कुछ इस तरह से देख रहे हैं। दोस्तों सम्राट यंत्र के बाद राम यंत्र आप इस तरह से देखिएगा, इसकी फुल डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, आप समर के देखिएगा और अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, और बाकी आप चार्ट में देख लीजिएगा। राम यंत्र, इसी यंत्र का उपयोग आकाशीय पिंडों, सूर्य तथा चंद्र की समांतर एवं शीर्ष कोण की स्थिति के अध्ययन के लिए किया जाता था। मंत्र घूमने आए थे हमारे साथ में सौरभ भाई, और हम दोनों लोग आए थे। 25 रुपये टिकट है यहाँ, कुछ खास नहीं है घूमने के लिए, है ना। बस हरियाली देखना हो तो बस आ जाओ यहाँ, और कुछ भी नहीं है बस, और पुरानी इमारतें जो आप देख सकते हो यहाँ, ये हरियाली बस और कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंत्र आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल एंड लव यू गाइज़।